गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, कमलनाथ ऐसा केवल जाहिर कर रहे हैं ताकि बाकी और लोग ना कांग्रेस छोड़कर भाग जाएं। उन्होंने कहा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी पूरे विधायक उनकी बैठकों में नहीं पहुंचते थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जब कमलनाथ सीएम थे तब भी पूरे विधायक बैठकों में नहीं पहुंच पाते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस में अब कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस केवल जाहिर कर रहे हैं ताकि बाकी बचे हुए लोग और ना निकल जाएं। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह हमेशा असामाजिक तत्वों की आवाज़ उठाते रहे, कांग्रेस हमेशा दलितों के नाम पर राजनीति करती आई है, दलितों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती, कमलनाथ केवल ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे नहीं पहुंचते थे कांग्रेस विधायकों का, उन पर विश्वास कभी नहीं रहा, जब तब नहीं रहा तो अब कहां से रहेगा। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ जाहिर कर रहे हैं जिससे बाकी के और नहीं भग जाएं। ये जो राजभवन की शपथ का कहना है ये सिर्फ इसलिए कि भगदड़ रुक जाए और विधायक भ्रम में आ जाए। कमलनाथ जी को ये नहीं मालूम कि वो आपके साथ 1.5 साल रहे हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाले अब, वो जान गए आपकी क्षमताओं को और आपके मैनेजमेंट को। देखिए कांग्रेस सदैव से दलितों के नाम पर राजनीति करती रही, भला कभी नहीं किया उन्होंने। अगर भला करते होते तो एक हाथ 15 महीने की नजीर दे देते। सागर में दलित को जिंदा जला दिया, एक बयान या एक ट्वीट आपको दिग्विजय सिंह का मिला हो तो बताओ। धार की घटना पे ऐसा हुआ हो, कल माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया कि वो वाल्मीकि को मार डाला है, जबकि वो मरा था ही नहीं, वो एक मोटरसाइकिल चोरी में बंद था, जमानत पे घर चला गया। इतनी जल्दी इतनी वो है कि कैसे भी ट्वीट के माध्यम से राजनीति करें, ये अच्छी प्रक्रिया और परंपरा नहीं है। भावनाओं से खेलना गरीबों की ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है, और माफियाओं को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना ये अच्छा नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।